रेप की पेटियों से बरामद हुई 52 किलो हीरोइन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस को मिली सफलता, ट्रक में सवार एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। डेरिवेटरों का नए सिरे से शुरू हुआ आंदोलन, प्रशासन को दी खामियाजा भुगतने की चेतावनी। महबूबा मुफ्ती के बयान ने फिर लगाई आग, बजरंग दल ने फौरन तिहाड़ जेल में भेजने की मांग, सस्ती प्रसिद्धि पाने का लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ, क्योंकि नशे की लड़ाई में पुलिस को आज एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस ने एक नाके पर 52 किलो हेरोइन के एक खेप को बरामद किया है। हेरोइन की एक खेप सेब से लदे ट्रक में छिपाकर रखी गई थी और पुलिस ने आज सुबह हाईवे पर जज्जर कोटली पुलिस स्टेशन के नजदीक सुकेतर में एक नाके के दौरान एक को जांच के लिए रोका और उसकी तलाशी के दौरान उसमें रखी सेब की पेटियों में हेरोइन की खेप को बरामद कर लिया। ये ट्रक श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था, जिसका चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक में सवार एक व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान भारत शाही पुत्र बालकृष्ण निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा के रूप में की गई है और पुलिस ने जब ट्रक को खाली किया तो उसमें एक एक किलो के हेरोइन के 52 पैकेट निकले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये खेप सीमा पार पाकिस्तान से कश्मीर पहुंची है। ट्रक में सेब कहां से लोड हुए इसका पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जीवित रखने के लिए आतंकवादी और उनके मददगार नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों और कैजुअल लेबर आदि ने अपनी मांगों को लेकर नए सिरे से आंदोलन शुरू कर दिया है और जम्मू में आज जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों के डेली वेजरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि मिनिमम वेजेस एक्ट सहित अन्य मांगों को न माना गया तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान तनवीर हुसैन का कहना था कि सरकार उनसे सिर्फ काम लेना जानती है, लेकिन जब हकों की बात आती है तो उन्हें सिर्फ गुमराह किया जाता है। हमने चेतावनी दी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लीडरों को, कि आप समझ जाओ और जो हमारा जो इश्यूज है इसको हल करो। अगर सरकार ये चीज नहीं समझती है, अगर सरकार जो हमारे मुद्दे, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट को लागू करना है, वो सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू करना है, वो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स जो है, जो अभी मिनिमम वेज एक्ट है उसको लागू करना है, या रेगुलेशन या लैंड ओनर्स के इशू जिन्हें जमीनें अपने दी है, अगर सरकार इनके ऊपर कोई फैसला जल्द जल्द नहीं लेती है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके अलावा दो ऐसे हमारे सेक्टर हैं, पीडीडी के 816 लोग हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारे पीएचई के अंदर ये क्या कहते हैं कि 12 मुद्दों का राइडर लगा हुआ है जिसमें 1500 लोग 1.5 साल से सफर कर रहे हैं। उसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट से, उसके अलावा साक्षार भारत मिशन के अंदर टीचर लगे हुए जिन्हें लोगों को पढ़ाया है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये बेचैनी का माहौल इम्प्लॉयज में आया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सेरिकल्चर और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर ये मसले हल नहीं होते तमाम, तो आने फॉरेस्ट कैंपा के अंदर जो हमारे साथी है उनके इश्यूज है, लेकिन सरकार सिर्फ घुमा रही है, सिर्फ काम ले रही है। महबूबा मुफ्ती द्वारा बुधवार को दिए गए बयान के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने महबूबा के बयान को देशद्रोह करार देते हुए केंद्र सरकार से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तिहाड़ जेल में बंद करने की मांग की है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि महबूबा सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए अक्सर ऐसे स्टंट करती रहती है, लिहाजा अब की बार उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो सीधे सीधे देशद्रोह का बयान है, उन्होंने देश के खिलाफ बोला है और इसके ऊपर भी अब केंद्र सरकार ने कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश विरोधी बयान है, इसलिए उनको विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए।
देखिए लगातार वो सुर्खियां बटोरने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है। लेकिन कल तो हद हो गई, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ रहना है कि ये नहीं रहना। तो ये सीधे सीधे देशद्रोह का बयान है। उनका पूरी जनता का फैसला वो नहीं ले सकती है। देखिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। मैं जम्मू के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं जो पीडीपी का दामन थामे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अब वो लोग भी अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या वो भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं? क्या वो भी भारत से अलग रहना चाहते हैं? प्रमोशन में आरक्षण ना मिलने और महंगाई के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसी सेल ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के चुनावों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें एससी समुदाय के लिए आरक्षित किए जाने के बावजूद इस समुदाय की कोई सुनवाई नहीं हो पाई और तो और महंगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी सरकार ने 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें रिजर्वेशन के जो 7 एमएलए जो बनकर आए थे वो बकायदा बीजेपी के बने थे और बीजेपी ने उसका जो हर्जाना हमें दिया, जो हमें नुकसान पहुंचाया, 7 एमएलए उसकी गोदी में डाले गए और उसके बावजूद उन्होंने रिजर्वेशन को खत्म किया गया जो प्रमोशन में, और खास तौर पर हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के सिलसिले में अपना गवर्नमेंट ने अपना पक्ष नहीं रखा और जिसकी बदौलत रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म की गई। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के हालात जो बने हुए हैं तो इतने बद से बदतर बने हुए हैं, इसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई जो आसमान छू रही है, महंगाई के सिलसिले में कहा जाए टमाटर आज 100 रुपए के जो किलो के जी बिक रहा है और तेल की कीमत है जो 225 रुपए है और जो ऑयल है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल के लिहाज से देखा जाए आज जो है 40 रुपए 45 रुपए लीटर जरा प्रति लीटर होना चाहिए था। रिलीफ बढ़ाने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों का आंदोलन लगातार जारी है। सन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले इन विस्थापितों ने आज जम्मू में प्रदर्शन कर उन्हें दिए जाने वाले रिलीफ को 13,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि आज महंगाई आसमान छू रही है और 13,000 रूपये में उनका गुजर बसर नहीं हो पाता। और आज हमने यहाँ प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट रखा है कि हमारा माहवार जो रिलीफ है लाइव डोज है, सरकार ने दिया, कभी ये 1,000 था, कभी 5,000, कभी 10,000, आज 13,000 है कि हर 3 साल के बाद ये बढ़ रहा है। लेकिन आज महंगाई है, 13,000 से हमारी फैमिलियां पल नहीं सकती है, हमारे बच्चे फ्रूट नहीं है, उनको तमन्ना है हम भी फ्रूट खाएंगे दूध पियेंगे लेकिन लाएंगे कहाँ से 13,000 पर। हमारी पहली मांग है रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षाएं लेने की मांग पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। इन स्टूडेंट्स ने आज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से लेने की मांग की। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के 2-3 दिन से पीछे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कंट्रोलर साहब से हमारी लगातार बात भी हो रही थी और हमारी मांग ये है कि हमारे ऑनलाइन मोड से पीजी के एग्जाम करवाए जाएं। लेकिन इन्होंने एक कल नोटिस निकाला जिसमें 20% की छूट देके बच्चों को बरगलाने की कोशिश की। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी मांग ये है कि यदि आप पूरे कैंपस की ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। भाजपा का अनुसूचित मोर्चा कल यानी कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। इसके अलावा कल से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान भी चलाया जाएगा और भाजपा नेता व डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारू राम भगत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा की प्रदेश इकाई का एससी मोर्चा भी संविधान दिवस और संविधान गौरव दिवस पर जिला स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित करने जा रहा है।
26 नवंबर का जो दिन है ये संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस दिन 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान के रूप में ये मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर जो ऐसी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस कार्यक्रम को बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे लेवल पे इसको मनाने जा रहा है, जिसमें हमारे बड़े दो कार्यक्रम होंगे। एक कल 26 को यही भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर त्रिपुरा नगर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और दूसरा प्रोग्राम 6 दिसंबर को कठुआ में होगा, जो हम बड़े लेवल पे इसको मनाएंगे। और बाकी हर जिला में, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रोग्राम है संविधान गौरव अभियान जो है उसको बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के समापन पर आज एड म्यूजियम डिपार्टमेंट की ओर से जम्मू में हेरिटेज लेक्चर का आयोजन किया गया। जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में स्थित मुख्यालय में आयोजित इस लेक्चर में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के प्रोफेसर वीरेंद्र वांगरू सहित कई अन्य स्कॉलर्स आदि ने जम्मू कश्मीर सहित देश के कई इलाकों की विरासतों का उल्लेख करते हुए इनके बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व विरासत सप्ताह चल रहा है, तो उसका आज क्लोजिंग है। तो इस ओकेजन पर हमने एक यहाँ पर आयोजन किया है कि एक हेरिटेज लेक्चर करवाएं, तो उसके लिए हमने इनवाइट किया है रीजनल डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र वांगरू, जो मूलतः वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स से हैं। तो वो आए हैं, वो यहाँ के J&K के हेरिटेज पर लेक्चर दे रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर बलदेव चंद हैं, स्कॉलर्स हैं नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट के, तो वो भी हेरिटेज के ऊपर कुछ ना कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने एक बड़ा ही मेगा इवेंट किया है, चढ़ियाई मुत्तल जो हमारा प्रोटेक्टेड साइट है वहाँ किया है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ हमने मिलजुल कर वहाँ उनके साथ किया है, तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरा, हमने यहाँ पर एक वीक लॉन्ग एग्जीबिशन भी चलाई हुई है डोगरा आर्ट म्यूजियम में, तो उसका भी आज क्लोजिंग हो जाएगी। जिला रियासी की पोनी तहसील के पंचायत घर भांबला में ब्लॉक दिवस मनाया गया और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रियासी चरणजीत सिंह सहित सभी सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने इस दौरान लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन्हें जल्द हल करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने इस मौके पर कुछ विकास कार्यों की भी शुरूआत कार्रवाई की और लोगों को अपनी जमीन अपनी निगरानी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाए और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो हर एक आदमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएं, ताकि वो घर बैठे ही उन चीज़ों का जो है उसको देख सके। इसी के चलते अपनी ज़मीन अपनी निगरानी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ UTI जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसके तहत जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारी UTI का, वो सारा का सारा अपलोड कर दिया गया है। उसमें कोई भी आदमी जो लैंड ओनर है, कोई भी आदमी अपना रिकॉर्ड देखना चाहता है, अपनी कम्युनिटी का रिकॉर्ड देखना चाहता है, वो उस पोर्टल पे जाके अपना 3-4 स्टेप्स का वो जो है आप समझिएगा कि वो प्रोसेस है, जिसमें आदमी को अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एंटर करना है, उसके बाद JK लैंड रिकॉर्ड्स जो है वेबसाइट उस पर जाके, उसके बाद वो अपने विलेज का नाम जो है वो वहाँ पे डाल देगा, और उसके बाद वो खसरा नंबर या जिस तरह से भी देखना चाहे। डोडा कस्बे में सूरज ढलते ही अंधेरा पसर जाता है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। प्रशासन की अनदेखी लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है और उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइटें न होने से सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड हर किसी के लिए खतरा बने हैं। इस बाबत कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन हर बार उन्हें टाला जाता है। स्ट्रीट लाइट के लिए हमने इनको कहा था एक दो बार, कहते हैं नहीं जी कंपनी आएगी वो खुद ही लगाएगी,
दूसरी ये बात है कि मतलब कुत्ते हर जगह हैं, जिसके लिए लाइट जरूरत है। 30-30 कुत्ते, 40-40 कुत्ते, खतरनाक कुत्ते घूमते रहते हैं, इसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं दोनों चीजें, जिनकी तरफ हम परेशानी चलने में आती है, बच्चों को आएगी, बूढ़ों को आएगी। जब 30 कुत्ते एक जगह जमा हो तो कैसे चलेंगे लोग। नंबर एक है लाइटों का मसला। जो ही यहाँ पे कटौती शट डाउन होता है, लाइट चली जाती है, तो एक बहुत अंधेरा सा छा जाता है, गुप्त अंधेरा छा जाता है। वजह यह है कि लाइटें नहीं है, क्योंकि जिला इंतजामिया एक लाइटों का उतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसलन जो मेन है GMC डोडा है, और भी यहाँ जो बड़े जो यहाँ इदारे हैं उनके सामने तक लाइटें नहीं है, और शहरों में इतने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। डोडा की सब डिवीजन गंदों की सड़कों पर की गई ब्लैक टॉपिंग की पोल खुल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है इस काम में बेहद ही घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, और यही वजह है कि सड़कें अब उखड़ने लगी हैं। सर्दियों के ब्लैक टॉपिंग करने की कोई तुक ही नहीं बनती, और इस मौसम में ये काम करवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। अगस्त, जुलाई, मई के महीनों में ये काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? आज जबकि माइनस में टेम्परेचर होता है और आज ये काम शुरू करते हैं। आपने कई बार देखा, आपने कई बार यहाँ खुद भी विजिट किया इस रोड पे, जिस भी जगह काम किया है हर जगह जो है ये ब्लैक टॉप उठ चुका है। पहले ही तो इस रोड पे लोग जब सफ़र करते थे अपनी जान जो है हथेली पे रख के करते थे। आप अगर आज कई सालों के बाद इंतजामिया को, सरकार को इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम करने की याद आई थी, लेकिन आज भी ये तसल्ले बख्श नहीं है। आवाम भलेसा की पूरी नाराज़ है, क्योंकि इस पे जब गाड़ियों की बात तो दूर की है, आदमी जब इस पे सफ़र करता है पैदल तो लोगों के पैरों से ये लुक जो है ये उठ जाती है। आपने कई जगह देखा, और बीच में जो गैप रखे हैं इन लोगों ने, उन गैप्स को, उन खड्डों को इन्होंने नहीं भरा। कुछ जगहों पे इन्होंने ये ब्लैक टॉप डाला, ये भी बस अगर रात के टाइम डालते हैं, हमें समझ नहीं आती है मतलब रात के टाइम डालने का मकसद इनका क्या होता है। जम्मू में पिछले 24 घंटों में जहां GMC अस्पताल में कोरोना से संक्रमित का एक मरीज भर्ती हुआ, वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई। इसकी जानकारी GMC अस्पताल के डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने दी। डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने कहा कि कोरोना से संक्रमित महिला 86 वर्ष की थी और GMC में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू के GMC अस्पताल में 8 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं, जबकि एक मरीज भगवती नगर में स्थित डीओ अस्पताल में भर्ती है। पिछले 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो है कोविड-19 का एडमिट हुआ है, एक पेशेंट जो है ठीक होके घर चले गए हैं, और अभी हमारे पास 9 पेशेंट टोटल एडमिटेड है, जिसमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में है और एक पेशेंट DRDO हॉस्पिटल में है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 24 घंटे में एक पेशेंट की डेथ हुई थी। ये 86 ईयर ओल्ड फीमेल थी, एडमिशन पे उनका काफ़ी सिक थे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थे वो, काफ़ी देर से बीमार थे, उनको सिम्टम्स थे, बट परसों हमारे पास आए थे। उनका रैपिड टेस्ट जो है वो नेगेटिव था, बट RT-PCR उनका पॉजिटिव आया था। दोनों साइड लंग्स में जो है उनको निमोनिया था, तो सारा ट्रीटमेंट जो कोविड का होता है उसको देने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली कल आफ्टरनून में वो गुजर गए। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के बाजारों में खींची गई पीली पट्टी को लेकर दुकानदारों में भारी रोष है। इन दुकानदारों का आरोप है कि पहले ही जम्मू के दुकानदारों की कोरोना महामारी ने कमर तोड़ दी है, अब रही सही कसर GMC की ये पीली पट्टी पूरी कर रही है। दुकानदारों के बढ़ते विरोध के बाद अब उनके समर्थन में कुछ पार्षद भी उतर आए हैं, और इन पार्षदों के मुताबिक वो नौकरशाहों की मनमर्जी नहीं चलने देंगे और जनता के हित के लिए ही कार्य करेंगे। वहीं शहर के दुकानदारों के विरोध के बाद मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि शहर में पीली पट्टी खींचने का काम दुकानदारों से सलाह करने के बाद ही शुरू किया गया। अगर दुकानदारों को इससे आपत्ति है तो GMC इस काम को रोक देगी।
नहीं कहा है कि जिलो जालो लाइन के बाद जहाँ जहाँ फुटपाथ हमारे बने हुए हैं, फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए, और कोई जालो लाइन जो कोई पहली बार नहीं लगा रहे, आज से पहले भी लग रही है, काफी देर पहले जब यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे, मैं कॉर्पोरेटर नहीं भी था, तो तब भी यहाँ जालो लाइन थी, और ये वाली जालो लाइन हमने अपना जो स्टेक होल्डर्स हैं चैम्बर वालों से बातचीत करके, उन्होंने सबसे बात करके उन्होंने हमें कहा था कि आप 2-3 महीने के बाद लगाओ, 2-3 महीने लोगों को टाइम, तो हमने लगाई है। तो अगर कोई एतराज करेगा हम नहीं लगाएंगे, हमने क्या करना है, हम चाहते हैं लोगों के लिए, जो हमारे लोग या दुकान जो हमारे जो ग्राहक या सिटीजन बाजार में आए, उनको सहूलत होनी चाहिए चलने के लिए, खासकर हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जब जो आते हैं तो वहाँ फुटपाथ हमारे कवर्ड होते हैं, वो येलो लाइन वो हमने लगाने का प्रयास किया था, और बातचीत करके अगर किसी शहरवासी को या किसी को मना होगा हम नहीं लगाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये बंद होंगी, जब तक हाउस इसकी स्वीकृति नहीं देगा ये नहीं चलने दी जाएगी, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हाउस है, जितने भी यहाँ अधिकारी हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर, दे हैज टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए हाउस, दे आर बाउंड टू एक्ट अंडर सेक्शन 50 जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ये जो मनमानी चल रही है ब्यूरोक्रेसी की, ये बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। हम अपने लोगों से बात करेंगे और उसके बाद इसका समाधान निकालते हुए काम करेंगे। हमने काम अपनी जनता के लिए करना है, उनकी भलाई के लिए करना है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अपने मन तरीके से कोई काम हो। हम यही कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने येलो लाइन लगाई है ये बिल्कुल गलत है। अगर इनको येलो लाइन लगानी है तो जो खड़े हैं, जिसके हम सामान रखते हैं, उसको छोड़कर लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि कम से कम दुकानदार का थड़ा तो छोड़ा जाए ना। अगर हम दुकानदार अंदर चले जाएंगे तो ये शहर का सारा सत्यानाश करने वाले तो यही लोग हैं जो लाइनल कर रहे हैं। इसका कोई मतलब है लाइनल करने का? इसका बड़ा ग्राउंड एहसास है कि दुकानदार की इस टाइम क्या हालत है, और गवर्नमेंट की तरफ से और जो पीली पट्टी लगा रहे हैं, दुकानदार को परेशान किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। अभी कोविड खत्म हुआ है, दुकानदार अभी दुकानदारी अपना घर परिवार चलाने पे इतना मुश्किल चल रहा है उनका घर परिवार, तो आप येलो पट्टी लगा रहे हैं तो बड़े दुख से कहना पड़ता है। पहली बात तो ये हाउस में पास होना चाहिए था कि हम अपने जम्मू को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, और दुकानदार भाइयों को मिल बैठ के, यहाँ भी आप येलो पट्टी लगा रहे हैं, वहाँ के इलेक्ट्रिक जो कारपेंटर जीता हुआ है उसके साथ बैठ के ये बात करनी चाहिए, और दुकानदार को समझाना चाहिए, जो दुकानदार की डिमांड है उसको पूरी करना चाहिए, ना आप इलेक्ट्रिक बंदा जो जीता हुआ कारपेंटर नुमाइंदा है, ना आप उसको बुलाते हैं, रातों रात आप आते हैं और रातों रात आप येलो लाइन पट्टियां डाल के चले जाते हैं, दुकानदार कहाँ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा लोगों द्वारा चुने गए भाजपा के नुमाइंदों को पार्टी के कार्यक्रमों से रूबरू करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गांधीनगर विधानसभा हलके के अधीन आने वाले सभी वार्डों के पार्षदों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी की। इस बैठक में पार्षदों को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई, और साथ ही साथ भाजपा का दायरा बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी समीक्षा की गई। चुने हुए जो हमारे नुमाइंदे रहते हैं, समय समय पर उनका आंकलन किया जाता है, उनसे जानकारी ली जाती है, बैठक की समीक्षा की जाती है, किस प्रकार से, क्योंकि लोगों के प्रति वो जवाबदेह है, एक ठीक प्रकार से यहां पर उनका काम चले, आपस में बैठ करके चर्चा, कहीं कमी है तो उसको पूरा करना, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो पिछले 3 साल से कॉरपोरेशन में एक अच्छा काम हमारे कॉरपोरेटर्स ने किया है। आने वाले समय में कुछ पार्टी के प्रोग्राम्स मिले हैं, और क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठकें हुई थी, केंद्र की तरफ से कोई कार्यक्रम रहते हैं, और उसी सभी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पार्टी का दायरा किस प्रकार से बढ़ा पाएं, उसके साथ ये भी जरूरी है। आज सभी से ये जानकारी भी ली जाएगी, आगे आने वाले कार्यक्रमों का बारे में भी बताया जाएगा, और बेहतर स्थिति में और कॉरपोरेशन का काम हो तो उसके लिए सभी से जानकारी के बाद उनको बताया भी जाएगा।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।